घोषणा से क्या होता है? चुनाव के समय ये हो रहा है। हमारी आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। 56 इंची का सीना नहीं, 156 इंची का सीना। लीजिए, देश के सबसे बड़े दुश्मन पर सबसे बड़ा एक्शन भी सियासत से अछूता नहीं रहा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता क्या है। जैसे ही मसूद अजहर आतंकी घोषित हुआ, प्रधानमंत्री ने अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन विपक्ष ने इसे ये कहकर छोटा कर दिया कि इसमें क्या बड़ी बात है। घोषणा से क्या होता है? प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वो दोस्ती जता रहे हैं मोदी जी के साथ, तो दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर को तत्काल भारत को सौंप देना चाहिए। जब देश जीतता है तो हर भारतवासी जीतता है, लेकिन विपक्ष के कुछ मित्रों को लगता है कि अगर इस जीत में वो शामिल हो गए तो शायद उसकी राजनीतिक कीमत उनको देनी पड़े। कल हम सफल हुए तो ये तो तुच्छ है। व्हाट इज द बिग डील? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सुनिए। गोलमोल बयान देने में उन्होंने मसूद अजहर पर सियासत का नया शिगुफा छेड़ दिया। देखिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चुनाव के समय ये हो रहा है, अब ये क्या चुनावी बात है, क्या है, मैं नहीं जानता। मसूद अजहर पर बीजेपी ने श्रेय लेने की दौड़ शुरू की तो विपक्ष को ये बात चुभने लगी। ने विदेश मंत्रालय से साथ साथ दुनिया के और बहुत सारे देश इसमें शामिल रहे सालों से। ये किसी एक संस्था की या एक पार्टी की विशेष की ये तथाकथित जीत नहीं है। 56 इंची का सीना नहीं, 156 इंची का सीना। घुस करके घर में भी मारा और पूरी दुनिया से उसको दरकिनार कर दिया। यही होता है कूटनीति, यही होता है स्पष्ट नीति। मसूद पर सियासी दौड़ लगाने वालों में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो गए। ट्वीट किया, जिस तरह से यूपी पुलिस बंदूक काम नहीं करने पर मुंह से ठाए ठाए करती है, उसी तरह मोदी आतंक के खिलाफ ठोस नहीं सिर्फ दिखावटी काम कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष इस बात से डरा हुआ है कि कहीं मसूद पर एक्शन को मोदी सरकार चुनाव में अपनी तरफ ना मोड़ दे। इसी उलझन में कई नेता भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत को भी दिखावटी, बनावटी और छोटा बताकर उसे हल्का कर रहे हैं।